अभी अभी भारत ने खेला एक ऐसा खेल कि पूरी दुनिया रह गई दंग। यूनाइटेड नेशन की छठी कुर्सी पर कब्जा करने के बाद अब भारत बना स्थायी सदस्य। एकजुट होकर किया भारत के लिए बड़ा ऐलान और चीन को झेलना पड़ा बहुत बड़ी हार। वीटो पावर मिलते ही भारत ने लिया ऐतिहासिक एक्शन, पाकिस्तान के प्रस्ताव को फाड़ कर फेंक दिया, जिससे बौखला उठा पूरा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए एक दो सेकंड का काम है, जिससे हमारी काफी मदद होती है। दोस्तों, मेन खबर इस वक्त की यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हलचल मची हुई है, जिसका पता आपको कुछ समय से है ही। दरअसल दोस्तों, भारत ने इस बार ऐसा खेल दिखाया है कि दुनिया भर के वह तमाम देश जो कभी नहीं चाहते थे कि भारत वीटो पावर को हासिल करें, लेकिन वह जितने भी देश थे वह अब चुप हो चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह कैसे हुआ, कैसे भारत ने यूनाइटेड नेशन की छठी स्थायी सदस्यता हासिल की और पांचों शक्तिशाली देशों ने भारत का साथ क्यों दिया। सबसे बड़ी बात, भारत को वीटो पावर मिलते ही भारत ने पहला बड़ा एक्शन लिया था चीन और पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए। दरअसल भारत ने जो सबसे कड़ा कदम उठाया है वह दुनिया के लिए एक साफ संदेश है, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने कूटनीति के जरिए इस बड़ी जीत को हासिल किया और आगे वीटो पावर का इस्तेमाल किस तरह से करेगा। साथ ही जानें कि चीन और अमेरिका इस फैसले से क्यों परेशान है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल दोस्तों, भारत को वीटो पावर मिलते ही एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए वीटो पावर से लड़ने वाले देशों की संख्या बढ़कर के लगभग 60 की संख्या तक पहुंच चुकी है। और अब भारत के लिए यूनाइटेड में वीटो के नियम बदलने को लेकर के खबर सामने आ चुकी है। और इस समय भारत को लेकर के G5 देशों ने, जिनमें से 4 यूनाइटेड नेशन के स्थायी वीटो सदस्यता वाले मेंबर हैं, उन्होंने अब इस मामले को लेकर के भारत का समर्थन कर दिया है। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीधे तौर पर हाथ खड़ा करते हुए भारत के समर्थन में वोटिंग की है। तो वहीं यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष फिलेमन यांग ने भी भारत के वीटो सदस्यता को लेकर के अपना समर्थन और पेपर साइन कर दिए हैं। इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के पेपर्स को यूनाइटेड नेशन के अंदर ही फाड़ कर फेंक दिया है और इस खबर के आने के बाद से दुनिया भर के देशों में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि भारत ने इस कदम को उठाया है जिसको लेकर के अब तक दुनिया के देश डर रहे थे। अब भारत वह करने जा रहा है यूनाइटेड नेशन में, जिसको लेकर के यूरोप, चीन और कनाडा पूरी तरह से टूट चुके हैं और अमेरिका का पूरा साथ अब भारत को मिल चुका है। और इस खबर के बाद से ही चीन की हालत खराब हो चुकी है और चीन ने इस पूरे उलटफेर के बीच यूनाइटेड नेशन ने वर्कआउट किया है और भारत को लेकर जो चीन विरोध कर रहा है अपनी वीटो पावर पर इतना उछल रहा है, अब किसी देश ने उसके वीटो पावर को मान्यता नहीं दी है, जिसकी वजह से चीन का वीटो पूरी तरह से फेल हो चुका है। दोस्तों, चीन का आखिरी दांव भी अब उसके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि अब भारत संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को वीटो पावर भी मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, भारत ने इस ऐतिहासिक कदम से एक नई पहचान बनाई है और अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। वह देश जो हमें हमेशा चुनौती देते थे, जो कहते थे कि भारत कभी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं बन पाएगा, अब उनके दावों पर पानी फिर गया है चीन, जिसने हमेशा भारत को इस मंच से दूर रखने की कोशिश की, अब खुद अपनी असफलता देख रहा है। 5 स्थायी सदस्य देशों की जो परंपरा थी उसे अब तोड़ा जा रहा है और भारत अब उन देशों की कतार में शामिल होने जा रहा है जिन्हें वीटो पावर हासिल है। अब बात आती है वीटो पावर की। दोस्तों, वीटो पावर का मतलब है कि कोई भी बड़ा अंतरराष्ट्रीय निर्णय अब भारत की मर्जी के बिना पास नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक जीत नहीं है, यह उन सभी विरोधियों के लिए एक सख्त जवाब है जिन्होंने कभी कहा था कि भारत को इस मंच पर कभी जगह नहीं मिलेगी। पर भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने साबित कर दिया कि अगर हम ठान लें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, भारत के लिए छठी कुर्सी यूनाइटेड नेशन में लग चुकी है
तो दोस्तों, भारत के वीटो के लिए यूनाइटेड नेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और भारत ने आखिर पाकिस्तान के कागज को क्यों फाड़ा, यह भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही चीन ने ऐसा कदम क्यों उठाया है और अब दुनिया भर के देशों ने भारत के इस बढ़ते कदम को लेकर के क्या प्रतिक्रिया दी है, वह भी बताएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के आज नहीं बल्कि कई समय पहले से यूनाइटेड नेशन में चर्चा चल रही है, और जब भी चर्चा उठती है तो चीन इस बारे में अपना वीटो लगा करके भारत के इस स्थायी सदस्यता को रोक देता था। इतना ही नहीं, अमेरिका, रूस और दुनिया के कई देशों ने भारत का समर्थन किया, लेकिन हर बार चीन ने अपने वीटो का गलत इस्तेमाल करके भारत के विरोध में खड़ा हो जाता था। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र महासभा का पूरा सिनेरियो बदल चुका है। भारत के लिए छठी कुर्सी यूनाइटेड नेशन में लगाने के लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। देखा जाए तो भारत ने यूनाइटेड नेशन के हर देश को अपने चंगुल में ले लिया है। भारत जो चाह रहा है वही हो रहा है। इस समय भारत वह कर रहा है जो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होने के बावजूद चीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत को लाने के लिए वीटो के नियम ही बदल दिए गए हैं। यानी कि अब तक कोई एक देश वीटो लगा देता था तो वह प्रस्ताव नहीं पास होता था, लेकिन अब भारत के लिए इस पूरे नियम को बदल दिया गया है। बता दें कि इस पूरे नियम को बदलने में कोई और नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमन यांग और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का हाथ है यूनाइटेड नेशन। महासभा के अध्यक्ष फिलेमन यांग का कहना है कि आने वाले 81 सत्र की जो उच्च स्तरीय चर्चा 24 से 30 सितंबर को होगी, उसमें दुनिया के कई देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और अब तक इसमें भारत को सदस्य राष्ट्रों के तौर पर बुलाया जाता था, लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब भारत को स्थायी सदस्य के रूप में घोषित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास अब वीटो पावर भी होने वाली है, और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि भारत के वीटो पावर का जो वैल्यू है, यानी कि एक्चुअल में उसका जो परसेंटेज होगा, वह बाकी सदस्यों की तुलना में काफी ज्यादा होने वाला है। इसके पीछे के कारण ये है कि साउथ अफ्रीका और ईस्टर्न एशिया के जो देश हैं, लगभग भारत के समर्थन में 60 से भी ज्यादा देश मैदान में कूद पड़े हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन में जो बाकी के सदस्य देश हैं, उनको एक साथ इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला है, और इसलिए यूनाइटेड नेशन में भारत के वोटों की सबसे ज्यादा वैल्यू होने जा रही है। बता दें कि भारत के समर्थन में उतरते हुए साउथ अफ्रीका ने कहा कि भले ही साउथ अफ्रीका इसमें स्थायी मेंबर ना बने, लेकिन अगर भारत इसमें स्थायी मेंबर बनता है तो इसके साथ ही साउथ अफ्रीका की बातों को रखने के लिए सबसे अहम दावेदार के रूप में भारत आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि भारत पर कितने देशों का भरोसा टिका हुआ है। साउथ अफ्रीका सहित पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश भारत पर अपना विश्वास जताते हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, साथ ही साथ म्यांमार और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो भारत का समर्थन करते हैं। बता दें कि यूरोप के और साउथ ईस्ट एशिया के कई देश जो चीन के बेहद करीब होने के बावजूद चीन का समर्थन नहीं करते हैं, उन सब ने भारत को अपना समर्थन दे दिया है।